बहुत मुश्किल से देखिए यहाँ जाना बार बार बोला है वहाँ कुआं भी बना उसमें भी पानी नहीं है अरे यही पानी पीते हैं मैंने वो अभी तक सम्धान नहीं करता तो काम लोग कहाँ से पियेंगे दो चार दिन लगाएंगे बोला वो भी अभी सालों साल बीत गया मतलब बोल के वो चले गए लेकिन काम नहीं काम नहीं हुआ तो गांव की जो महिला से पानी इसी, लेके इसी रास्ता से पानी लेके जाता है हाँ। तो कहीं कहीं बच्चा को चोट लगती है नहीं तो गिर के गिर, गिर जाने के बाद कौन निकलता निकल जाता तो उस तरह भी होता है उस तरह भी होता है बहुत दिक्कत होता है अच्छा इस तरह पानी पीने से बीमार भी होते हैं आप लोग बीमार होता है पूरा एकदम रोज बीमार होता है रोज सिया लेता है गंदा पानी पीते तो अच्छा पांच साल में जेएमएम की सरकार थी यहाँ पे उन्होंने कोई काम किया है नहीं किया है कुछ भी काम नहीं किया है कुछ भी नहीं वो तो बोलती है कि हम आदिवासी की सरकार है आदिम जनजाति की सरकार है तो लेकिन कुछ भी काम हुआ कि नहीं ऐसा बात बोल रहा है लेकिन कुछ काम भी करके नहीं ले है बार बार हम मुखिया की भी बोला यार हाँ। लट्टी पढ़ा नेता नगरी लोग को बोला हाँ। खो हम ठीक कर दिया हाँ। खाली खादा पानी पी रहा है इसमें भूखा पकड़ता है किया होता है खर्चा बार बार देते है डॉक्टर लोग को पैसा मैंने दार उदार करके देते तो मैंने बाद में लूट लेता हूँ डॉक्टर भी लूटने के लिए आता है हाँ तो एक सूया में कभी एक पचास रुपया लेगा दो सु में एक सौ रुपया लेगा कहाँ से पाएगा इसे हम चिंता है बहुत परेशान पहाड़ उछा में घर चौपड़ी बना के बैठ रहे तो बहुत परेशान पैसा में बहुत दिक्कत है सरकार लोग हम मेरे नहीं देखता है गाँव में ज्यादा पहाड़ ऊपर में बैठता है ना इसलिए पैसा का बारे में बहुत खंतर है आप क्या काम करते हैं क्या काम करेंगे खेती बाड़ी कर रहे हैं पहाड़ में तो खेत भी उतना बढ़िया नहीं, नहीं होता है नहीं होता है घर ही बाहर जाते तो पैसा थोड़ा थोड़ा बेच के देते हैं वही उसी से खर्च कर रहा है नमस्कार मैं हूँ विकास कुमार आप देख रहे हैं जी टी वी भारत न्यूज इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड के लिटीपड़ा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले लिटीपड़ा प्रखंड के माटर पंचायत के मझधारी गांव में और ये जो गांव के लोग है यहाँ पे हम लोग आए थे कवरेज करने के लिए न्यूज बनाने के लिए और ये जो गांव के लोग है इन्होंने बताया साहब हम लोग का जो झरना है वो झरना भी थोड़ा चल के देखिए कि हम लोग के झरना का किस तरह स्थिति है और सबसे बड़ी बात है कि जो आप रोड में चलेंगे वो रोड का भी स्थिति देखिए थोड़ा वहाँ पे जो आपका न्यूज के माध्यम से यहाँ के जो पदाधिकारी है स्थानीय विधायक है मुख्यमंत्री है उनको भी दिखाइए तो आप देख सकते हैं रोड का स्थिति कुछ इस तरह का है कि आदमी बाइक साइकिल ये सब तो छोड़िए यहाँ पे जानवर भी जो रोड है इसमें चलने के लिए कतराएगा कुछ इस तरह का स्थिति है देखिए बड़ा बड़ा चट्टान है आपको चट्टान देखने को मिल जाएगा चारों तरफ जंगल है यहाँ पे जंगली जानवर का भी साया रहेगा उसके बाद अही आपको अही जो रोड है अही रोड से आपको मा, माथा में हंडी लेके ऊपर चढ़ना होगा तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को किस तरह का समस्या का सामना करना पड़ता है हम जो अभी चल रहे हैं ये रोड में ये रोड कुछ इस तरह का है चलने में मेरे को भी एकदम डर लग रहा है कहीं पैर फिसल ना जाए तो आप सोचिए कि ये लोग किस तरह से माथ, माथा में हंडी चढ़ा के पानी लेके किस तरह ऊपर जाते हैं वो भी तीस तीस किलो चालीस चालीस किलो का मतलब वजन लेके तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को किस तरह का परेशानी होता होगा तो मैं कहना चाहूँगा आखिर यहाँ के जो स्थानीय विधायक है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमेशा आदिवासी आदिम जनजाति की बात करती है लेकिन आज आदिवासी आदिम जनजाति की झारखंड में इस तरह का स्थिति क्यों है बाकी अब झरना का स्थिति देखिएगा तो कुछ ऐसा है झरना का स्थिति कि चारों तरफ कीड़ा लगा हुआ है यही बोला पानी पीता आप लोग देखिए देखिए, अभी हम लोग झरना के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लोग अपना जुगाड़ से एक पुराना वगैरह मोटर वगैरह लगाएं किसी तरह से लगाएं और ये वाला पानी शायद आप लोग ऊपर लेके जाते हैं ना हमें ये झरना के बारे में बताइए पानी कहाँ से आता है पानी तो भीतर से आता है कहाँ से जो से। हाँ, भीतर से हाँ, भीतर से से आता है लेकिन ये भी सूख रहा है अभी मोटा मोटी कम से कम तीन महीना जैसा चलेगा नहीं तो सूख के खत्म हो जाएगा ये वाला ये वाला ये गर्मी में सूख जाता है गर्मी सूख जाता है तो आप लोग फिर से पानी लाते है हम लोग फिर उधर बहुत दूर जाना पड़ता है मैंने कम से कम तीन किलोमीटर जाना पड़ता है तीन किलोमीटर जाना पड़ता है जो तो जाना तो पड़ता। रास्ता दिखाई इसी इसी रास्ता रास्ता उसी में, रास्ता में है। बहुत दिक्कत है मैंने मोटा मोटी एक दिन में एक बार लाना पड़ता है हाँ। बहुत मुश्किल से देखिए यहाँ जाना बार बार बोला है भी बना। उसमें भी पानी नहीं है अरे ही पानी पीते हैं अच्छा जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक दो एक दो महीना पहले बड़ा कुड़िया जो आपके बगल का ही गांव है वहाँ पे ऐसा पानी पीने की वजह से 20 लोग डायरिया का शिकार हो गए थे जिसमें दो लोगों का मौत भी हो गया था तो ऐसा पानी क्यों आप लोग मजबूर है पीने के लिए मैंने हम लोग को यहाँ कोई समाधान करने वाला नहीं है बोला कि बोरिंग करेंगे बोरिंग भी आज तक के मुखिया बोला कि हम लोग को ये बोरिंग में हम लोग हम लोग मोटर कर देंगे पाइप लगा देंगे हम लोग आप लोग बोरिंग टंकी का पानी ही पिएगा कहे कि जरना का पानी पीने से बहुत डहरिया मलरिया फैल जाता है आदमी मौत भी हो सकता है आप लोग मत पीजिए बोला तो मैंने वो अभी तक समाधान नहीं करता तो हम लोग कहाँ से पियेंगे दो चार दिन लगाएंगे बोला वो भी अभी सालों साल बीत गया मतलब बोल के वो चले गए लेकिन काम नहीं काम नहीं हुआ काम नहीं काम नहीं किया आप लोग ये जो मोटर है ये कहाँ से लाई मोटर? ये हम लोग का लिया हुआ है हम लोग मास्टर हम लोग गांव वाला मिला के चलो चंदा उठा के चंदा उठा के इटो ले लिए वो भी इतना घींच नहीं पा रहा लेकिन थोड़ा बहुत दूर तक तो जाता है फिर भी अलाके जो लाइन नहीं आता तो हम लोग यही पानी उठा के लेके जाते हैं तो गाँव की जो महिला से, से पानी लेके जाता है तो कहीं कहीं तो गिर गिर तो देखिए आप झरना देखिएगा तो पानी ऊपर से गिर रहा है कितना मस्त दिख रहा है पानी इतना अच्छा है इतना साफ है कि आपको लगेगा कि हम पानी पी लेंगे लेकिन ये पानी एक तरह का आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा गंदा है मतलब बहुत ज्यादा इसमें कीटाणु भी है कीटाणु इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इसके अगल बगल में जितना भी गांव है बहुत सारे गांव में इस तरह का पानी पीने की वजह से डायरिया का शिकार हुए थे और दो लोगों का इस तरह से मौत भी हो गया था इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ बाकी आप देखेंगे तो चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है और यहाँ भी कुछ लोग नहाने के लिए आते हैं देखिए चारों तरफ कीड़ा है और यही पानी भी लोग नहाते हैं और हमें नहीं लगता है कि कोई पदाधिकारी या फिर विधायक या फिर कोई भी किसी तरह का छोटा मोटा कार्यकर्ती कार्यकर्ता नेता वगैरह कोई भी गाँव में आते होंगे तो यहाँ पे मेरे साथ और एक दो लोग हैं इनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं क्या नाम है भैया आपका सुंदरा पहाड़िया भैया यही वाला पानी आप लोग पीते हैं हाँ ये वाला पानी पीते हैं क्यों क्यों मजबूर ऐसा पानी पीने को मजबूर आप लोग क्यों ऐसा पानी पीने को मज़ूरा? क्या पानी नहीं है तो कौन सी पियेंगे तो वही तो, तो पीते क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप क्या हम इस इसके वजन से हम लोग को बोरिंग होना चाहिए और उसमें मोटर लगाना चाहिए तब अच्छा पानी पिएंगे अच्छा इस तरह पानी पीने से बीमार भी होते हैं आप लोग बीमार होता है पूरा एकदम रोज बीमार होता है रोज सिया लेता है उसमें गंदा पानी पीते तो अच्छा पाँच साल में जेम की सरकार थी यहाँ पे उन्होंने कोई काम किया है नहीं किया है कुछ भी काम नहीं किया है कुछ भी नहीं वो तो बोलती है कि हम आदिवासी की सरकार है आदिम जनजाति की सरकार है लेकिन कुछ भी काम हुआ कि नहीं ऐसा तो बात बोल रहा है लेकिन कुछ काम भी करके नहीं ले है अच्छा मतलब जिस तरह से मैया का बहुत मैया तो नहीं मिल रहा है एक एक हजार रूपया नहीं मिल रहा है को माता बहनों को नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है क्या बोल रहे दादाजी नहीं मिल रहा है नहीं बोलते अच्छा अभी यही से पानी लेके जाते हैं यही ना पीते देखो बार बार हम मुखिया की बोला आयुष का पड़ा नेता नगरी लोग को बोला हाँ। खो हम ठीक कर दिया खाली हाँ। खादा पानी पी रहा है जिसमें बोकार पकड़ता है किया होता है सर्दी होता है कुकी भी होता है हाँ। खर्चा बार बार देते है डॉक्टर लोग को पैसा तब कैसे करेंगे हम ये पानी पी के तब कुछ भी बीमारी पकड़ता है किया होता है किया करता है पेट भी दर्द है परेशान है अच्छा आप लोग क्या काम करते हैं अभी क्या काम करेंगे पहाड़ में तो इतना बढ़िया खेती बाड़ी भी नहीं होता होगा हाँ अभी तो खेती बाड़ी नहीं है तो पत्था। तो पत्था। कैसे मतलब कैसे डॉक्टर को कैसे पैसा देते आप के देते तो, बाद में लूट लेता लूटने के हाँ। तो एक सु में कभी एक पचास रूपया लेगा दो में एक सौ रूपया लगेगा कहाँ से पाएगा इसे हम चिंता है बहुत फारिश पहाड़ उच्छा में घर चपडी बना के बैठ रहे तो बहुत परेशान पैसा में बहुत दिक्कत है सरकार लोग हम मेरे ना देखता है गम में ज्यादा पहाड़ ऊपर में बैठता है ना इसलिए पैसा का बारे में बहुत खंतर है अच्छा हमको इस बार में अच्छे से कौन खड़ा होगा उसी को अच्छे से वोट देंगे अच्छा इस बार खड़ा होने के बाद तो इस बार कौन कौन जे... कौन बीजेपी से खड़ा हुआ कौन जेम से खड़ा आपको पता है नहीं पता हमको तो

और उसके बाद ये लोग अपना पार्टी को निर्धारित करते हैं उसके लोग वोट लो देते हैं बाकी आप देखिए कुछ इस तरह का स्थिति था बहुत ही शर्म की बात है हमारे झारखंड राज्य के लिए कि झारखंड राज्य में आदिवासी का सरकार होने के बावजूद भी आदिवासी आदिम जनजाति का कुछ इस तरह का स्थिति है क्या काम करते भैया आप क्या काम करेंगे भाई खेती बाड़ी कर रहे हैं खेती बाड़ी पहाड़ में तो खेत भी उतना बढ़िया नहीं होता नहीं होता है क्या करते तब आप लोग क्या करेंगे ऐसे ही रहते हैं पैसा कहाँ से आता है बाहर जाते हैं बाहर के हैं। हाँ। बाहर जाते तो पैसा थोड़ा थोड़ा बेच के देते हैं वही उसी से खर्च कर रहा है क्या करना चाहिए क्या काम करता है हाँ हम भी खेती करते हैं हाँ खेती बाड़ी में भी हम लोग का वो भी मैंने बारिश का वजह में भी बहुत बहुत काम होता है मैंने ठीक से नहीं हो पा रहा वो भी वो भी खूब खूब होगा वही जैसे खाने पीने का होता है उतना हम लोग का खर्चा नहीं निकल पाता मुखिया लोग यहाँ से ध्यान नहीं देते नहीं देता हम लोग का जो लेटीपड़ा में जितना मैंने जितना पदाधिकारी लोग है जिला से भी है यहाँ पंचायत से भी है लेकिन कोई हम लोग हम लोग गाँव में देख रेख नहीं कर नहीं कोई भी आया पाँच साल में विधायक यहाँ पे जो आपका जाके जे का विधायक थे पाँच साल से आपका दिनेश प्रिया मरांडी जी वो आए कभी आपके गांव में नहीं नहीं बीजेपी भी भी नहीं आया जे एमएम भी नहीं आया कोई हम लोग यहाँ विधायक ना हम लोग का लेटीपाड़ा का ना जिला का पदाधिकारी यहाँ नहीं नहीं पहुंच पा रहा है कोई भी नहीं आया वो को, कोई भी नहीं आ रहा है हम लोग बार बार हम लोग को लिटीपाड़ा जाके बोलते हैं फिर भी आएंगे जाएंगे बोला आज तक बीजेपी में नहीं तो जे एमएम से कोई नहीं आया कोई भी नहीं, 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 नहीं आया बहुत सामना हम लोग का बहुत दुख दुख तकलीफ वही रोड का पानी का बहुत बार बार हम लोग देते सूचना फिर भी आ, आज तक हम लोग का, का काम नहीं हो पा रहा है कोई भी सरकार आप लोग काम नहीं कर रहा है झारखंड में बीजेपी सरकार भी शासन किया है जेएमएम सरकार भी शासन किए हैं लेकिन आज तक इन लोगों का कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं बहुत ही शर्म की बात है बाकी आप देख रहे थे जी टी वी भारत न्यूज कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं विकास कुमार साह धन्यवाद और अगर आप और भी इस तरह का खबर देखना चाहते हैं ग्राउंड जीरो से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइए किस तरह से आपको ग्राउंड जीरो का खबर लगता है क्या सुधार करना चाहिए हमें वो सुधार करेंगे